तस्वीर आप देख रहे हैं मानवी गिल की 678। ये तस्वीर कई लोगों का आज वहम दूर कर देगी। ये 678 मार्क्स और किसी के नहीं, नीट में मानवी गिल ने लिए हैं और ये शौर्य अकेडमी में इस वक्त हूँ हाईएस्ट स्कोर है। जो लोग अब तक दावा कर रहे थे कि उनके यहाँ पर क्या हो गया, बम फूट गया, कुछ नहीं है, असली बम यहाँ फूटा है। 678 ये छोटा मोटा स्कोर नहीं है, बहुत बड़ा स्कोर है। हिसार में, ऋषि नगर में शौर्य अकेडमी है। हमने एक दिन पहले ही बताया था आपको कि यहाँ के बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा नया धमाल करने वाले हैं, वो धमाल हो गया। नीट का जब रिजल्ट आया तो कुछ लोगों ने पटाखे बजाए, ढोल बजाए, पगड़ियाँ पहनी, असली जो गेम था वो बाकी था और वो आज यहाँ पर एंड होता है। 678 यहाँ का टॉपर है। इसके अलावा और बहुत सारे बच्चे आप देख रहे होंगे, 676 भी हैं, 650 भी हैं, 600 की सीरीज टूटती नहीं है। डायरेक्टर भी मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर हैं, नरेंद्र मलिक। आपने देखा तस्वीरों में केक खिलाए, उन्होंने माला डाली है, क्लैपिंग की है, डांस किया है, बच्चे भी यहाँ पर हैं। आप आ जाएं जरा, तैयारी कैसी होती थी? छोटी सी बात में बस ये पूछना चाहूँगा, इंस्टीट्यूट में, अकेडमी में, शौर्य अकेडमी में तैयारी कैसे कराते थे, फार्मूला क्या था? सर, तैयारी की तो ये है कि मतलब क्लास के अलावा डाउट काउंटर पर पूरा फोकस था सर का, और मतलब कि कहीं और कोई भी दिक्कत हो तो सर एनी टाइम पे साथ खड़े रहते थे हमारे। ये सबसे बड़ी बात है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है कि साथ खड़े रहते थे बच्चे के साथ, जो टीचर्स खड़े रहते हैं, एकेडमी खड़ी रहती है, फिर वो बच्चे कहीं हिलते नहीं है। सर, एक कमेंट आपसे भी लूँ, हालांकि हमने आपसे बातचीत की है, उसमें इतना बेहतर स्कोर जो अचीव किया है, हमें तो लगता था कि करेंगे, आपको यकीन था? कई बार खुद को नहीं लगता है अपने बच्चों पर कि यार ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, असमंजस की स्थिति होती है और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ अकेडमी को। सर, मैंने पहले भी कहा है अकेडमी को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जो भी फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी समय से नीट के क्षेत्र में, आईआईटी के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट्स देते आ रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि बच्चों पे पूरा भरोसा था, मेरी टीम पे पूरा भरोसा था, और बिना भरोसे आप कुछ नहीं कर सकते, सब चीज़ें जो भी हैं भरोसे पे चलती हैं। और मैं एक यही है कि अगली बार कोशिश ये है कि ऑल इंडिया जो टॉपर है वो शौर्य अकेडमी हिसार हरियाणा से। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है। सबसे बड़ी बात यह कही कि भरोसे के बगैर कुछ नहीं है, और ये भरोसा जीता है, विश्वास जीता है, भरोसा जीता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब भरोसा जीत लिया जाता है, इससे बड़ी ऊपर कोई बात होती नहीं है। इसको वीडियो पे आप खुल के शेयर करें, कमेंट करें, और आप देखते रहे एकमत पोस्ट। होने से पहले इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है, कितनी खुशी है? मैम, खुशी तो आप देख ही सकते हैं, जैसे कि आप कवर करें, ढोल बज रहे हैं, ढोल खुशी में ही बजते हैं, पहली बात है। दूसरा, जितने भी मीडिया साथी हैं उनके सभी दर्शकों को शौर्य परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार। नीट का जो रिजल्ट है मैम, इसका जो भी क्रेडिट है, सबसे पहले और मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा जो जाता है वो है मेरी हार्डवर्किंग टीम को, या फिर जो भी पिछले एक साल से, डेढ़ साल से हम बच्चों पे 11, 12 से मेहनत करें। हाँ, ये बात सही है कि शौर्य नया नाम है, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो टीचिंग के क्षेत्र में नए हैं, नाम नया है और रिजल्ट आपके सामने है। इससे पहले आपने एग्रीकल्चर में भी कवरअप किया है, हमने एग्रीकल्चर में भी 4 महीने के अंदर अंदर एक बेहतरीन रिजल्ट दिया है। अब है नीट की बारी और आगे आने वाले दिनों में एनडीए का रिजल्ट आना है। तो शौर्य में एक ही बात बोली, हर बार सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर बात होगी, वो होगी रिजल्ट पर। अगर रिजल्ट नहीं तो फिर हम नहीं। सिलेक्शंस की बात करें तो नीट के अंदर कितने सिलेक्शंस उस बार शौर्य एकेडमी ने दिए हैं? नीट के अंदर मेरे 15 बच्चे एमबीबीएस कॉलेज के अंदर एंटर होंगे, और वो भी मेरे पहले साल में।